जब किसी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना होती है तो उस व्यक्ति का मान तो बढ़ता ही है, साथ ही समाज को यह संदेश जाता है कि अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा ही होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है पूर्णिया के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल ने। जब विद्यालय के मैनेजमेंट के द्वारा अपने प्रिंसिपल के उत्कृष्ट कार्य से प्रभावित होकर उनके सम्मान में आभार स्वरूप उन्हें एक बेलेनो कार गिफ्ट कर दी। बताया जाता है कि ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल न केवल शैक्षणिक विकास के लिए सजग है बल्कि सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास के प्रति सदैव समर्पित होकर कार्य करते रहे हैं, और उनके कार्यों का ही नतीजा है कि ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल आज अपनी एक विशेष पहचान कायम करते हुए न केवल पूर्णिया जनपद में बल्कि पूरे प्रदेश में जाना और पहचाना जा रहा है। विद्यालय का अनुशासन और विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हर किसी को भी प्रभावशाली लगता है, और अभिभावकों को यह लगता है कि उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़कर निश्चित तौर पर शिक्षित और संस्कारी होकर अपने लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, और यह सब संभव हो पाया है विद्यालय के प्रिंसिपल शेखर कुमार सिंह की बदौलत। तभी तो विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार ने अपने इस कर्मी के कर्म का न केवल मूल्यांकन किया है बल्कि सम्मान भी किया है और उनके सम्मान में बेलेनो कार की चाबी सौंपी। चाबी सौंपने के बाद केक भी काटा गया। निश्चित तौर पर आने वाले कल में शेखर कुमार सिंह के कृत्य और उनके प्रति आभार प्रकट करने का डायरेक्टर सविता सिन्हा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार का यह तरीका कईयों के लिए प्रेरणा सिद्ध होगी। क्लैपिंग। बिहार में लगता है कि पहला ऐसा स्कूल है कि से अपने प्राचार्य को जो है गिफ्ट के स्वरूप में कार उपलब्ध कराया गया। किस तरह का मूल्यांकन हुआ किसे आपने उनको? स्कूल में जितनी तरह की गतिविधियां होती हैं उसमें मेन रोल तो प्रिंसिपल का ही होता है, प्राचार्य का ही होता है, तो प्राचार्य अच्छे काम करें इसके लिए उनको प्रोत्साहन करना ज़रूरी है, और मेरे जो प्राचार्य हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं, इन्हीं की बदौलत मेरा एफिलिएशन हुआ है स्कूल का, इन्हीं की बदौलत मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं और सारे पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि प्रिंसिपल को एक कार गिफ्ट किया जाए, और आज उसी के लिए हम लोग समारोह किए हैं, एक कार हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं। किस तरह की अहमियत थी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में सर? अहमियत तो इनके पास बहुत हैं जो हम आपको गिना नहीं सकते हैं। ये जनपद में सारे लोग अभी देख रहे हैं, पूर्णिया से ये बहुत दूर स्कूल है, ये रूरल एरिया में आता है, फिर भी शहर में इसका नाम फैल रहा है, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? हम अपनी बड़ाई कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग अगर बोलना शुरू करें तब वो बड़ाई हुआ, लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। और भी लोगों को इस तरह से प्रेरणा मिलेगी कि? प्रेरणा मिलनी चाहिए, बहुत लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं, तो सबका सोच अपना अपना होता है, मेरा ये सोच था हमने किया। अब लगता है कि आवागमन का जो साधन होगा प्रिंसिपल के साहब के लिए वो और बेहतर हो जाएगा और शिक्षा हाँ, और ज़्यादा बढ़ोतरी जी हाँ जी, इससे तो जुड़ा हुआ ही है, पहले ठंड में आना पड़ता था बाइक से, अब कार से आएंगे तो मन से काम करेंगे, हौसला बढ़ने के बस उनका हौसला बढ़ना चाहिए, बच्चों को जैसे प्राइज मिलता है वैसे टीचर को भी प्राइज मिलना चाहिए, प्रिंसिपल को भी प्राइज मिलना चाहिए। और स्कूलों को क्या कहेंगे सर? और उस लोग मेरे तरफ से यही सजेशन होगा कि वो लोग भी अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, जो भी अच्छे वर्कर हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें। सबसे पहले मैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे मिस्टर राजीव कुमार जी हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जब मैं 2018 में ज्वाइन किया था तभी से मैंने संघर्ष किया, मैंने देखा यहाँ की परिस्थिति को, हर एक चीज़ को, यहाँ के जो माहौल हैं, आसपास के जो बच्चे आते हैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, और मैं ये प्रयास में रहा कि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं वो ये फील ना करें कि हम एक गांव में रहते हैं और गांव से पढ़ते हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक
इंग्लिश राइटिंग जो लैंग्वेज का है और जो स्पोकन है उसको मैंने यहाँ पे काफ़ी ही प्राथमिकता दिया, और बच्चे धीरे 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 उस ट्रैक पे आने लगे और आज बच्चे काफ़ी खुश हैं इस माहौल को देखते हुए। तो ये सभी श्रेय यहाँ के मैनेजमेंट को जाता है, क्योंकि मेरा है कि एक प्लानिंग के तहत एक प्रोसेस को तैयार करना। रिसोर्सेज तो हम मैनेजमेंट से लेते हैं और जो भी रिसोर्सेज के लिए मैं बात करता हूँ रिसोर्सेज आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये मूल्यांकन जो सर ने किया है वो उन्होंने काफ़ी असेसमेंट लिया होगा इन उस सालों में, और उसके बाद उन्होंने सोचा होगा और देखा होगा। और भी स्कूलों को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है क्या? ज़रूरी है, मूल्यांकन तो होना ही चाहिए। हम लोग भी बच्चों का एक असेसमेंट होता है और लास्ट में जब एनुअल एग्जामिनेशन होता है तो हम इवेलुएसन करते हैं, फाइनल जजमेंट देते हैं। तो उसी तरह असेसमेंट और इवेलुएसन जो है हमारे ज़िंदगी का पार्ट है, चाहे वो विद्यार्थी हो, टीचर हो, या फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं स्कूल हो, कॉलेजेस हो। तो ये बूस्टअप करता है, ये क्या है ना कि एक तरह से आप टॉनिक है, आपने एक तरह से एक रास्ता दिखाया है। तो इससे क्या होगा ना कि मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है, जो हम चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि जितना दिल लगा के हम काम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर सकें जहाँ तक संभव हो पाएगा, हाँ, मैनेजमेंट के साथ बैठ के बातें करके सॉल्यूशन निकाल के। ये ज़रूरी है किसी भी स्कूल सामाजिक परिवेश में किस तरह का संदेश जाएगा सर? सामाजिक परिवेश में तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। संदेश ये जाएगा कि जैसे समाज में ही कोई एक्सेलेंस वर्क करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, तो समाज के लोग मिलके जो वहाँ के मुखिया होते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं। उसी तरह ये भी एक विचारधारा ही है, चाहे स्कूल हो या छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हो, तो कोई जब एक्सेलेंट काम करते हैं तो उनको असेसमेंट इवेलुएसन किया जाता है, फिर डिसीजन लेते हैं अपने प्रोसेस के अनुसार कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, उसके अनुसार उनको गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि समाज में भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि इस कार्यक्रम के थ्रू जिस तरह से आपका मूल्यांकन हुआ, आपको लगता है कि बच्चों का भी मूल्यांकन हो और उसको प्रोत्साहन? बच्चों का मूल्यांकन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बच्चों का मूल्यांकन होते रहता है। हमारे यहाँ PT1 PT2 हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन होता है। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होता है, बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो हर एक चीज़ को मिलाते हुए एक इवेलुएट करते हैं लास्ट एंड में, और उनको जो भी है उनको पारितोषिक दिया जाता है, प्राइस के तौर पे गिफ्ट दिया जाता है। तो काफ़ी खुश हैं? काफ़ी खुश हैं, ये उल्लास का दिन है हमारे लिए, नहीं हम सभी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, सबों के लिए, जो हमारा एक परिवार है छोटा सा, उन सबों के लिए। तो इस गाड़ी पे सिर्फ आप ही चढ़ेंगे कि बच्चे लोगों को भी चढ़ेंगे? ये बच्चों का ही है, मेरा नहीं है, यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बच्चों का ही गिफ्ट है, ठीक है, तो ये बच्चों के लिए समर्पित है, हम तो बच्चों के लिए हैं।